कोतवाली अंतर्गत धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। प्रभारी कोतवाल खष्टी बिष्ट ने बताया कि नदीगांव निवासी एक महिला ने कोतवाली में तहरीर दी है कि 6 अक्टूबर को उसे एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और उसने उससे पैसों की डिमांड की। उससे डरकर महिला ने अज्ञात के खाते में 20,000, 25,000 तथा 50,000 की धनराशि 3 किस्तों में डाल दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बागेश्वर की एक महिला से साइबर ठगी हुई 95,000 की, तो उसमें फिर हमारी एसओजी टीम जो है उसके द्वारा उसमें कार्रवाई की गई, रिपोर्ट मंगाई गई, उसके आधार पर उसमें एफआईआर दर्ज हुई है और जल्दी से ही जो है मुलजिम को पकड़ लिया जाएगा। ये लोगों को जागरूकता की कमी है और छोटे छोटे लालच में लोग आ जा रहे हैं कि जैसे कोई अभी एक तरह से इस तरह भी ठगी हुई, जैसे अभी कार की काफ़ी परचेसिंग हुई तो उसमें भी फर्जी वेबसाइट वो करके इस तरह से भी ठगी हो जा रहे हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है, उसमें ये हो रहा है कि पहले मैसेज आ जा रही कि आपके खाते में 40,000 रुपये आ गए, फिर उसका कोई रिश्तेदारी फ़ोन करता है कि गलती से आपके खाते में 40,000 रुपये आ गए हैं, आप 20,000 रुपये भेज दीजिए। मैसेज तो 40,000 का आता है, नहीं अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं। तो इस तरह से भी ये नया ट्रेंड है, तो लोगों को यही है कि इस तरह के ठगी में ना आए, कोई भी पैसा आपके वहाँ बिना वजह नहीं आएगा, उसका कारण जानने की कहाँ से आया क्या है तहकीकात करें और छोटे लालचों में ना आए, किसी को अपना OTP या कन्फर्म नंबर न बताएँ तथा साथ ही साथ आजकल एक लिंक भेजते हैं, लिंक को क्लिक करने के लिए कहते हैं, उससे भी हमारी जानकारियां चली जा रही हैं। तो सभी नागरिकों से यही अनुरोध है कि इस तरह के उनसे बचें, न तो अपना OTP शेयर करें न किसी लिंक को क्लिक करें। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।